क्योंकि दोस्तों हिंदी करके अगर आप बोलेंगे ना तब भी वॉइस टैपिंग होगा, ऐसे अलाउ करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका वॉइस टैपिंग होगा, वॉइस गूगल वॉइस टैपिंग। तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में करना है, नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G मोबाइल। तो दोस्तों इस मोबाइल में हम बताने वाले हैं ना डायल पैड, दोस्तों कीबोर्ड। तो दोस्तों क्या होता है कि वॉइस टैपिंग, गूगल वॉइस टैपिंग आप जब भी करते हैं ना, इसमें कुछ अलग तरीके से दिया है, जो कि गूगल का जो डायल जो कीबोर्ड रहता है उसमें वॉइस टैपिंग बहुत झकास हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा व्हाट्सअप है, तो दोस्तों हम उन्हें व्हाट्सअप पर आ चुके हैं और हमको यहाँ पर वॉइस टैपिंग करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉइस टैपिंग करता है करने है ना, आप देख सकते हैं जो माइक है ना, माइक वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने टाइपिंग होगा। और ये जो गूगल का डॉलर पैड, जो गूगल का कीबोर्ड रहता है वो इस तरीके का नहीं होता है, वो अलग होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों आपको कुछ भी करने का नहीं, आपको आ जाना है इसमें, आपको वही गूगल का वॉइस टैपिंग जो भी है एकदम परफेक्ट काम करेगा, जैसे बोलेंगे वैसा ही काम करेगा। गूगल का वॉइस टैपिंग वर्क नहीं कर रहा है सैमसंग मोबाइल में, तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर आपको बोल देना लिख। तो दोस्तों गूगल कीबोर्ड, तो जो दोस्तों जैसे आप गूगल कीबोर्ड सर्च करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं हर एक मोबाइल में एक कीबोर्ड आता है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, तो दोस्तों फाइनली हम मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपका अपडेट नहीं है तो इसको जाके अपडेट कर लें, रियलमी ओप्पो किसी का किसी भी मोबाइल में, तो अपडेट कर लेंगे तो अच्छे से। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि जो कि मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो रहा है, देखिए दोस्तों हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका, इंस्टॉल हो चुका। और कुछ इस तरीके का ओपन वाला ऑप्शन जो आ रहा है, इस पर आपको टच करना है। जैसे इस पर टच करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस, तो दोस्तों इस पर टच करना है और इस बटन को ऑन कर देना है। जैसे इसको ऑन करेंगे उसको फिर बैक आएंगे, फिर इस पर टच करना है, उसके बाद आपको ऊपर वाला पे सेलेक्ट कर देना है। ऊपर वाला सेलेक्ट करने के बाद डन करें, जैसे डन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना बैक और फिर आप यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ से ऐड लैंग्वेज, इस पर टच करेंगे, जो भी आपका लैंग्वेज सेट करना है, हिंदी इंडिया, हिंदी इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा और इंग्लिश भी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से डन कर दें, तो दोस्तों हिंदी भी मेरा सेलेक्ट हो चुका। अब यहाँ से ऐसे करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर, देखिए दोस्तों हिंदी आ चुका। अगर आप यहाँ से हिंदी करके, देखिए दोस्तों हिंदी करके अगर आप बोलेंगे ना तब भी वॉइस टाइपिंग होगा, यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका वॉइस टैपिंग होगा, वॉइस गूगल वॉइस टैपिंग। तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में करना है, नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कितना गजब आपका वॉइस टैपिंग हो रहा है सैमसंग के मोबाइल में, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं हो रहा है। जो सैमसंग का कीबोर्ड था उसमें क्या होता था कि वर्क नहीं सही करता था। तो दोस्तों आज का मेरा यही वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आप इसको हटा